हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका स्वागत है TSN। आज हम एक स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं जिसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी काफ़ी दिनों पहले कि आपको पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो आपने उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे आपकी परेशानी लिख के भेजी, काफ़ी अच्छे से आपने रिप्लाई किया। तो अब समय आ गया है कि आपकी परेशानी को डील किया जा सके और मैं यानी कि तरुण सैनी आपसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर परेशानी का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया जा सके जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो और आपको डेफिनेटली हेल्प करता हो। तो हमने एक पोस्ट डाली थी, आपको याद आया हो तो देखिए ये हमारी एक पोस्ट थी। 1 मिनट प्लीज। ये कि आपको यदि स्टडी करने में कोई दिक्कत है तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए, हमें बताइए कि आपके साथ क्या परेशानी है, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और आवर जजमेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे कमेंट, 21 कमेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको कुछ परेशानी है। हम शुरुआत से शुरू कर देते हैं जहां से मेन सवाल आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान से समझिए कि जो सजेशन TSL की ओर से दिए जा रहे हैं वो हमारी निजी राय है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। इससे होने वाले किसी भी नुकसान और फायदे के लिए TSL जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना विवेक इस्तेमाल करके बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर सकते हो। TSL इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि मैंने तो आपके हिसाब से पढ़ा था और मैं फेल हो गया या फिर मैं पास हो गया। ठीक है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस कैपेसिटी कि आप क्या करना चाहते हो। हम आपको ओनली सजेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, गौरव जी ने लिखा है कि मैं TSL का ही स्टूडेंट हूं पहली बात तो, बट मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा है ड्यूटी की वजह से। पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं, मैं बोल के आपको ये चीज बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। इन्होंने लिखा है कि सर मैं ड्यूटी की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, आई एम वर्किंग इन निमांस हॉस्पिटल, मैं आपके ऐप से स्टडी करता हूं, आपके बैच का स्टूडेंट हूं, समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टडी करूं, गाइड करें प्लीज। इनकी जो समस्या है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, ध्यान से समझिए कि ये एक तरह के पेड स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से TSL का पेड वर्जन लिया हुआ है। दूसरी बात, ऑलरेडी वर्किंग है एम्स रिसे आपके निमांस में, जो एम्स नहीं निमांस के अंदर वर्किंग है, जो एक काफी अच्छा हॉस्पिटल है, बट फिर भी ये तैयारी कर रहे हैं, हो सकते हैं पास के घर के पास कोई सर्विस करने के लिए कर रहे हो, कोई इनका जो अच्छा एम्स लग रहा हो उसमें सर्विस करने के लिए ये मेहनत कर रहे हो। तो देखिए बात दो चीजें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो ड्यूटीज की हम बात किया जाए तो ड्यूटी जो होती है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के बाद जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो ड्यूटी होती है वो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी होती है 8 AM to 2 PM, और ऐसे ही आपके इवनिंग शिफ्ट होती है 2 PM to 8 PM और नाइट शिफ्ट होती है आपके 8 PM to 8 AM नेक्स्ट। ये ड्यूटी का आपका शेड्यूल रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए पहली बात तो स्टडी जो की जाती है वो सबसे कोई पोटेंशियल मोटिवेशन मिल सकता है या आपको स्टडी करना ही करना है उसके पीछे कोई फोर्स हो सकता है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप उस फील्ड के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हो या फिर आपकी मजबूरी है पढ़ना। तो देखिए जैसा कि आपने पहले से बताया कि आप एम्स में पहले से वर्किंग है तो मुझे नहीं लगता कि इतने स्ट्रॉन्ग नीड आपकी होगी, पहली बात। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट की, कि आप चाहते हैं कि जो आपके पास का एम्स है या पास का हॉस्पिटल है उसमें सिलेक्शन हो, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सर देखिए कि आप 6 घंटे डेली ये ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे ये ड्यूटी है, 8 घंटे ये ड्यूटी, ठीक है,
एवरेज देखा जाए तो आपके 22 डेज वर्किंग आवर्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके बाद एक एवरेज 8 आवर्स की ड्यूटी मान लेते, 6-6 12 घंटे और 8-24 घंटे, ठीक है 12 और तो 8 घंटे की ड्यूटी डेली आती है ये मान के चलते हैं टोटली देखा जाए तो, ठीक है इसमें छुट्टी भी लगा ले तो भी 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा डेली ड्यूटी आवर्स नहीं होते। अब आपको करना क्या है कि डेली टीएसएल ऐप की ओर से आपको 5 आवर्स की क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है, डेली आपको 5 आवर्स की क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए कैसे आपको मैनेज करना है ये 5 आवर्स की क्लासेज को करने के लिए, केवल और केवल आपको 5 घंटे ही चाहिए, ज्यादा टाइम देने की इसमें जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है ऑफिसर, जब भी आपकी ड्यूटी है जैसे मॉर्निंग ड्यूटी है तो 2 आवर्स आप उससे निकाल लीजिए, 2 आवर्स उसके जाने से पहले, जैसे 8 बजे आपकी ड्यूटी है 7 बजे आप फ्री हो जाइए तो सुबह 5 से 7 उठ के आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ड्यूटी के आने के बाद भी आप 2 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी है तो नाइट में आप डेफिनेटली कम से भी कम 2 घंटे और स्टडी कर सकते हैं, 2 घंटे और स्टडी कर सकते, 2 घंटे ड्यूटी जाने से पहले, 2 घंटे आने के बाद रेस्ट करना है, उसके बाद 2 घंटे आपको देना है और नाइट में भी आपको 2 घंटे देना है। यदि 6 घंटे आप डेली पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको अच्छा गेन होगा और आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर भी कर पाओ। देखिए एक साथ ही 10 घंटे पढ़ने की कोशिश ना करें, केवल ये चीज की कोशिश कीजिए कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, डेली का टारगेट डेली अचीव होता रहे, डेली की क्लासेज आप डेली टैली करते हो। उम्मीद करता हूं मेरे दिए हुए सजेशन से आप इसकी प्रॉब्लम एड्रेस हुई होगी, और भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा सवाल ले लेते हैं, ध्यान से समझिए, दूसरे जो स्टूडेंट है हमारे उनके लिए, दूसरे स्टूडेंट है जिनका सवाल है, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। सुरेश जी ने एक चीज लिखा है, सुरेश कुमार गजरावत जी का सवाल है कि स्ट्रेस से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बार बार दोहराने के बाद भी याद नहीं होता है। इनकी बात करते हैं कि स्ट्रेस से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बार बार दोहराने के बाद भी याद नहीं होता है। देखिए सुरेश जी आपको, या फिर ऐसी समस्या जिनके भी साथ है, उनको मैं एक पर्सनल एडवाइज करना चाह रहा हूं कि पहले इस प्रोसेस को समझिए, जो बहुत ही अच्छा ब्रेन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे किसी चीज को हम याद रख सकते हैं, याद रखने की कैपेसिटी होती है, वैसे ही फॉरगेटिंग भी एक क्वालिटी है ब्रेन की, और बहुत जरूरी है कि कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई, यदि हमको उस चीज को याद नहीं रखना है तो ब्रेन को भूल ही जाना चाहिए उसको, नहीं तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम रखते जाएंगे हमारे कॉन्शियस माइंड में तो कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो ये तो अच्छी बात है। मान लीजिए हम कोई ट्रोमा हमको लगता है, कोई लॉस होता है, और यदि वो मेमोरी बार बार हमारे दिमाग में आती रही और फॉरगेटिंग नहीं हुआ तो ये तो बहुत बड़ी एक मेंटल इलनेस को क्रिएट कर सकती है। तो ध्यान से आप समझिए कि फॉरगेटिंग एक अच्छी बात है, बट आप सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम के क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, टॉपिक्स को भूल जाते हैं, तो कुछ टिप्स आपके यहाँ पे हैं जिससे आपको याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखिए उसमें कुछ टिप्स हैं आपके, यूज ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है सेंस, ध्यान से समझिए यूज ऑफ सेंस। आपको पता है कि विवेकानंद जी कोई भी बुक को पढ़ते थे तो एक बार में ही उसको क्लियर कट याद रख लेते कि इस बुक के अंदर मेन चीज क्या है। विवेकानंद जी कोई भगवान नहीं थे, ठीक है, बट वो क्या था कि इतनी असीम विद्वता के धनी थे, बोले तो वो कोई भी चीज को पढ़ते थे तो उसके अंदर 5 सेंस आपके काम में लेते थे। 5 सेंस मतलब इनपुट बॉडी के अंदर जो जा रहे हैं, सभी सेंस ऑर्गन को उसमें एक्टिवेट रखते थे। जैसे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप मान लीजिए कोई बुक है, मान लेते हैं कि ये कोई बुक का आप बुक है, इसमें कोई कंसेप्ट आपको लिखा हुआ है, तो एक आपने मान लीजिए इस कंसेप्ट को ओनली आपने पढ़ा, ठीक है, आपने जैसे इस पूरी पूरी लाइन को पढ़ ली तो आपका आई से जो सेंस, साइट का सेंस जा रहा है
वो आपके इसमें इन्वॉल्व है। यदि यही कंसेप्ट को आप साथ में लिख लेते हैं, ये पूरा पेज पढ़ने के बाद यदि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो ये पढ़ने की बजाय ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा और आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक जाएगा। तीसरी बात की जाए, यदि जो आपने ये पढ़ा है, ठीक है, जो इसके सोर्स नोट्स बनाए, यदि इसमें एक चीज और कर दी जाए कि ये आप पढ़ने के साथ साथ यदि इसको विजुअलाइज कर जाए, मतलब यदि इस चीज को देख लें, अब कैसे देख सकते हैं, इसके पर्टिकुलर वीडियो देखा जा सकता है, या बेस्ट है आपके टीचर को पढ़ाते हुए सुनिए। तो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से चीजें पढ़ रहे हैं, वहां से आपकी हियरिंग भी हो रही है, आप सुन भी रहे हैं, आप टीचर को बोलते हुए देख भी रहे हैं, आपके टीचर कुछ वीडियोज भी दिखा रहा है या खुद आपके सामने प्रेजेंट करके चीजें बता रहा है। तो एक सेंस ये आपका हो गया, एक सेंस ये आपका हो गया, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तीसरा ये हो गया, आपकी हियरिंग भी काम कर रही है, फोर्थ ये हो गया, ठीक है, इसी से ही आपको ये याद हो जाएगी। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं, तो देखिए आपको इसको जो याद करना चाहिए, जो भी ये आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसको मेमोराइज करने की एक टेक्निक होती है, मेमोराइज करने की एक टेक्निक होती है कि इसको जैसे आज आपने पढ़ा, एक शॉर्ट क्विक रिवीजन आपको इमीडिएटली आज ही क्विक रिवीजन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दिया जाए, देखा जाए तो आपको एक रिवीजन करना है 3 डेज बाद, कि 3 दिन के बाद फिर से एक बार इसका क्विक रिवीजन करना है जो आपने शॉर्ट नोट लिखे, ठीक है। रिवीजन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। 3 दिन के बाद आपको करना है, 7 डेज में इसको एक क्विक रिवीजन देना है, और इसके बाद आपको 1 मंथ पे एक क्विक रिवीजन देना है। बस ये आपके 3 बार आपको रिवाइज करना है, इसके बाद ये परमानेंट मेमोरी में आपके चला जाएगा। और रही बात स्ट्रेस की, तो सर स्ट्रेस तभी होता है जब आपको चीजें याद नहीं होती है। याद नहीं होने का मतलब है कि हो सकता है आपको ये टेक्निक काम में नहीं ले रहे हो, इस वजह से दिक्कत हो रही हो। तो मैं सुरेश जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या और स्टूडेंट सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस टेक्निक को काम में लीजिए, आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवालों के जवाब आपको समझ में आए होंगे, और जिनके भी ऐसे परेशानी है वो भी इन सवालों से काफी कुछ सीख सकते हैं, आपकी स्टडी को इजी और स्मूथ और इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन टीएसएल की ओर से चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसे लगा उसको भी कमेंट करके बताइए, और कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी सवाल जो स्टडी से रिलेटेड हो और कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए टीएसएल, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों।